नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के भूना शहर में दिन दहाड़े मार्बल विक्रेता पर तीन नकाबपोश बाइक सवारों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गए। फरार होने से पहले हमलावर घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं गोली लगने से गंभीर हालत में मार्बल विक्रेता हिसार रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी दलजीत सिंह ने बताया कि मुंह पर साफा बांधे हुए और तीन लोग बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने विक्रेता ईश कुमार को गोली मारी। इस समय हमलावरों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर के छापामारी की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि मार्बल विक्रेता को आखिर गोली क्यों मारी गई। मार्बल व स्नेटरी की दुकान में काम करने वाले करिंदे से जानकारी ली गई। उसने बताया कि मुंह पर साफा बांध करके मुंह को ढके हुए युवक बाइक पर सवार होकर के उनके मालिक के पास आए। अचानक एक शख्स ने मालिक पर फायर कर दिया और मालिक के पेट में गोली लगी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार होने लगे तो गली के कोने पर अचानक बदमाशों का बाइक भी गिर गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे एक व्यक्ति पर आरोपियों ने बंदूक से गोली दिखाई और मौके से फरार हो गए। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांपू की विशेष रिपोर्ट। वो आए थे लोग, मैंने उसे उतरा को मैं कहूँ उनको कौन से काम देख रहे हो डिग्री है और तीन चार लड़के हैं। तो कैसे हो, कितनी गोली चली? दो चली गोली। हाँ, किसको लगी? बड़े सेठ को लगी, बड़े इसको इसको किस जगह लगी? इस जगह यहाँ से पकड़ा था मैंने, देख खाने में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। नाम है अशोक का। मार्बल एंड सैनिटरी हाउस है, इसमें दो भाई दुकान करते हैं, एक ईश और एक अशोक। उसमें दो अज्ञात व्यक्ति आए और उनको गोली मार के फरार हो गए हैं और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें भेजी हैं हमने।